बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन से तलाक लेने के बाद सुजैन खान अपनी लव लाइफ को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई है। एक्ट्रेस बिग बॉस कंटेस्टेंट अली गोनी के भाई अरसलान गोनी के साथ रिलेशन में है। दोनों की तस्वीरें फिलहाल इंटरनेट पर छाई हुई हैं। इस बीच हाल ही में सुजैन ने बॉयफ्रेंड संग कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गई हैं। उनकी ये तस्वीर क्रिसमस पार्टी की लग रही है, जिसमें कपल के साथ एकता कपूर, करण जौहर और रिद्धि डोगरा समेत कई लोग दिख रहे हैं। इस तस्वीर पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं, जहाँ कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कई लोग इन तस्वीरों पर भी ऋतिक के साथ सुजैन के रिश्ते को ले आए हैं। ऐसे में आज हम आपको ऋतिक के उन रिश्तों के बारे में बताने वाले हैं जो ज्यादा दिन नहीं चले। आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल एन बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहां दिख रही घंटी भी बजानी है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम सुजैन का ही है। सुजैन के साथ फिल्मी लव स्टोरी। फिल्म स्टार ऋतिक रोशन और सुजैन की लव स्टोरी बिल्कुल फिल्मी है, जहां एक्टर ने सुजैन को ट्रैफिक सिग्नल पर देखा और उन्हें प्यार हो गया। फिर दोनों ने कुछ समय की डेटिंग के बाद शादी कर ली, हालांकि साल 2013 में उनका ये रिश्ता टूट गया। बेबू और ऋतिक ने सबसे पहले साल 2001 में एक साथ काम किया, जहां दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। हालांकि दोनों के परिवार वालों की दखलअंदाजी से ये रिश्ता टूट गया। साल 2010 में आई फिल्म काइट्स के दौरान मैक्सिकन स्टार बर्बरा मोरी के साथ ऋतिक के रिश्ते की काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। खबरें आने लगी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, हालांकि बाद में एक्टर की पत्नी सुजैन ने इसे नकार दिया था। फिल्म काइट्स के दौरान ही ऋतिक की दोस्ती कंगना रनौत से भी हुई। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने साल 2013 में आई फिल्म क्रिश 3 के दौरान एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया, लेकिन ये प्यार भी उस मुकाम तक नहीं पहुँच सका। फिल्म बैंग बैंग और जिंदगी न मिलेगी दोबारा में कैटरीना के साथ ऋतिक ने शानदार केमिस्ट्री शेयर की थी। ऐसे में दोनों के लिंकअप्स की खबरें भी आने लगी थी, हालांकि ये रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।